पिछले साल की शुरुआत में चीन के वुहान में तबाही मचाने के बाद दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर वैश्विक बहस जारी है। हर कुछ दिन बाद इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर कोई न कोई सवाल जरूर उठता है। ऐसा ही एक बार फिर सवाल उठा है कि ये वायरस प्राकृतिक है या फिर लैब में बनाया गया है। इस कड़ी में अब विज्ञान संबंधी मामले पर लिखने वाले ब्रिटेन के मशहूर लेखक और संपादक निकोलस वेड ने भी यह आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रिसर्चर्स कोरोना वायरस से मानव कोशिकाओं और मानवकृत चूहों को संक्रमित करने के लिए प्रयोग कर रहे थे। निकोलस ने बताया कि इसी प्रकार से के प्रयोग के कारण कोविड-19 जैसे वायरस के पैदा होने की आशंका है।